इतना सन्नाटा क्यों है भाई? प्रदेश भर में जहां वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन था। जहाँ तक हमारे रिपोर्टर्स पहुँचे हैं वहाँ तक हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अब बाज़ारों में सन्नाटा पसरा रहा है, कोई ज़रूरी सेवाएं थी उनको छोड़कर बाज़ारों में कोई भी नहीं आया। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर में देखेंगे कि बाज़ार, सभी बाज़ार बंद हैं। बात करें मेडिकल स्टोर की, और मेडिकल स्टोर की सब्जियों की दुकान है, किराने की दुकान है, ये दुकानें थी जो खुली थी। और कुछ जगह से मतलब शिकायतें भी आई थी कि चाय की दुकानें हैं और होटलें हैं वो भी खुली मिली थी, लेकिन वहाँ पे प्रशासन के पहुँचने के बाद वो सब चीज़ें वो थी जो दुकानें थी वो बंद कर दी गई। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना प्रकोप के कारण मतलब जहाँ स्थिति है जो बिगड़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन, जिसको देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश में 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, जिसमें सभी ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर बाज़ार बंद करने की हिदायत दी गई थी। जहां हम बात करें मेडिकल सुविधा हो, जहां हम बात करें सब्जियों की दुकान हो, किराने की दुकान हो, और भी जो जनरली पेट्रोल पंप है, गैस सिलेंडर वगैरह की जो भी एजेंसी या सर्विसेज हैं, उन चीज़ों को छोड़कर सभी चीज़ों को प्रदेश भर में 2 दिन के लिए बंद रखा गया, जिससे कुछ हद तक कोरोना को हम नियंत्रण में रख सके। क्योंकि कोरोना की ये दूसरी लहर है जो अपना भयंकर प्रकोप दिखा रही है, और एक एक दिन में जो मतलब पेशेंट इतनी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं कि जिनकी स्थिति दिन ब दिन जो प्रदेश में है जो बिगड़ती जा रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए गहलोत सरकार ने अभी 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, जिसके कारण राजस्थान में आज कर्फ्यू का मतलब सही जगह से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर और सरकार का सहयोग भी किया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में वर्तमान समय में स्थिति है जो बदतर होती जा रही है। कोरोना के पेशेंट हैं जो प्रत्येक दिन डबल संख्या में होते जा रहे हैं, और ये जो कोरोना का प्रकोप है वो तेज़ी से फैलता हुआ लोगों को अपने आगोश में ले रहा है, और मृत्यु दर भी बढ़ रही है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने काफ़ी हद तक मतलब लोगों से निवेदन किया था कि सभी को सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन लोग थे जो इस समझदारी नहीं दिखा रहे थे, जिसके कारण से सरकार ने आज 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया कि कुछ हद तक हम कोरोना को काबू में पा सकें। लेकिन सरकार आगे क्या मंत्रणा होती है, गहलोत सरकार है जो बार बार अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सचिवालय में मीटिंग्स का आयोजन कर रही है, और जहां महामंथन चल रहा है कोरोना के ऊपर कि किस प्रकार से प्रदेश की जनता को कोरोना से हम बचा सके और प्रदेश में कोरोना को काबू में पा सके, इसको लेकर गहलोत सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है। लेकिन ग्रामीण मीडिया झुंझुनू भी सभी से निवेदन करता है, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, 2 गज की दूरी और मास्क अवश्य लगाएँ, क्योंकि समझदारी ही हमें कोरोना से बचा सकती है, मास्क ही वैक्सीन है।